अपने क्लास में कुछ थ्योरम बताई करने का तो वो थ्योरम आप कर लीजिएगा, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज की वीडियो आप लोग देख लीजिए। वैसे ही अपने की इसमें क्वेश्चन नंबर 10 का लास्ट वीडियो डिस्कशन हुआ था, अब उसके आगे से हम आपको सम्स बताते हैं। जैसे यहाँ पर सम्स है क्वेश्चन नंबर 11, कागज कलम ए बी सी डी में विकर्ण ए सी और बी डी ओ पर प्रक्षेप करते हैं, ए बी समांतर डी सी हो तब को ये चीज़ यहाँ पर प्रूव करनी है। देखिए बेटा बहुत ही इजी सा सम्स है, ये एक समलम बना दिया ए बी सी डी जिसमें जो ए बी है वो सी डी के क्या समांतर है और ये विकर्ण ए सी बी डी ओ पर आपको क्या कर रहे हैं प्रक्षेप कर रहे हैं। अब देखिए इसमें लिखेंगे त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज डी ओ सी है, कोण को ए बी बराबर कोण ओ सी डी, ये वाला कोण इसके बराबर होगा। क्यों होगा? एकांतर कोण ओ बी ए बराबर कोण ओ बी सी सेम रीजन एकांतर कोण, ये वाला कोण भी इसके बराबर होगा। कोण ए ओ बी बराबर होगा कोण सी ओ डी के, ये कोण इसके बराबर तो होगा शीर्षाभिमुख कोण। देखिए ये वाला कोण इसके बराबर हो गया एकांतर कोण से, ये वाला कोण इसके बराबर हो गया शीर्षाभिमुख कोण, तो ये शीर्षाभिमुख कोण। इसलिए कोण को कोण समरूपता से त्रिभुज ए ओ बी समरूप हो गया डी ओ सी, यानी ये त्रिभुज इसके क्या हो गया समरूप हो गया। इसको जब समरूप हमने दिखा दिया तो अब इसकी संख्या भुजा अनुपाती होगी। देखिए ये कोण है इसके सामने भुजा होगी ओ ए बड़े, इसके बराबर के सामने भुजा होगी ओ सी और ऐसे यहाँ हो जाएगा ओ बी बटे ओ डी। हैंस प्रूफ क्या कि आपका ये वाला त्रिभुज इसके जब समरूप हो गया, जब ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो गए तो इसकी संख्या भुजा अनुपाती खेल लेंगे तो आप प्रूफ बना दो आराम से आगे आ गए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा पी क्यू और क्यू आर बिंदु एस तथा टी इस प्रकार है कि कोण पी बराबर कोण आर टी एस। पहले तो आप त्रिभुज बनाइए, पी क्यू आर ठीक है, पी क्यू पर बिंदु एस लिया और इस तरह बिंदु टी इस प्रकार ले लिया कि हमारा कोण पी बराबर कोण आर टी एस। पी क्यू पर जो है बिंदु एस है और क्यू आर पर हमारा बिंदु टी है, यानी यहाँ पर आपका टी बनेगा कोण आर टी एस, आर टी एस इक्वल टू आपका कोण पी ए है। देखिए कैसे आप प्रूव करेंगे कि जो हमारा बिल्कुल आर टी क्यू है आर टी क्यू समरूप होगा आर टी एस के, यानी आर टी एस की क्या हो जाएगा समरूप हो जाएगा, यहाँ पे आप आर ले लेंगे और यहाँ पे आप नहीं लेंगे। देखिए आराम से प्रूव हो जाएगा, फिर वही पी क्यू आर जिसको आप बोल दीजिए आर टी क्यू तथा फिर वही आर टी एस में, जब आप ये दोनों त्रिभुज ले लेंगे इसमें देखिए कोण पी बराबर आर टी एस ये हमको क्या गिवन है नहीं दिया है, इसके बाद कोण आर बराबर कोण एस आर टी ये वाला कोण दोनों त्रिभुजों में कैसा हो गया उपेक्षित हो गया। जब देखिए दो त्रिभुजों के दो कोण आपस में बराबर हो तीसरा कोण अपने आप में बराबर हो जाएगा, अतः कोण कोण ऊपर में से त्रिभुज आर टी क्यू समरूप हो जाएगा आर टी एस। फिर से एक बार देख लीजिएगा यहाँ पे देखिएगा पी क्यू आर जब पी क्यू पे कोई बिंदु एस तो एस पे टी है इस प्रकार का कोण पी बराबर कोण आर टी एस, तो हमें प्रूव करना आर टी क्यू समरूप आर टी एस होगा कोण पी बराबर आर टी एस हमको गिवन है और आर बराबर एस आर टी हो जाएगा
जब दो कोण बराबर होंगे तो तीसरा अपने आप बराबर हो जाएगा, तो कोण कोण ऊपर नीचे लिया जाता है तो उससे क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 11 और 12 को आप साथ करके नोट कर सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिभुज एबीसी के शीर्षलंब एडी और सीई परस्पर बिंदु बी पर प्रक्षेप करते हैं तो सिद्ध कीजिए त्रिभुज एईबी समरूप त्रिभुज सीडी की। एईबी समरूप त्रिभुज सीडी की ये आपको सिद्ध करना है। देखिए केवल इस शब्द को आप समझाएंगे बहुत इजी सा है इसको समझना, यानी ये वाला कोण जो होगा आपका क्या नाम होगा एईबी बराबर सीडीबी हो जाएगा, क्योंकि दोनों कोण आपके 90 अंश होंगे और कोण एबीई ये वाला कोण सीपीडी के बराबर हो जाएगा। कैसे? कोण एबी बराबर कोण सीडीबी बहुत है 90 डिग्री और कोण एईई बराबर कोण सीपीडी के, क्यों? क्योंकि शीर्षलंब कोण है। कैसे कोण है? शीर्षलंब कोण हो गए तो त्रिभुज जो आपका एईबी है वो समरूप हो जाएगा त्रिभुज सीडीबी के। तो पहली चीज तो आपकी यहाँ पे खराब तो हो गई, दूसरी भी एबीडी एबीडी ठीक है, ये आपको समरूप करनी किसके, ये समरूप करनी आपको सीडीई के, सीडीई के आराम से प्रूव हो जाएगी। देखिए जब आपके ये दोनों त्रिभुज कैसे आए, समरूप आ गए, दोनों त्रिभुज कैसे आ गए आपके समरूप आ गए। तो देखिए ये वाला कोण जो है अपने आप दोनों कोण की क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, ये वाला कोण जिसके अपने आप क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। अब देखिएगा बेटा इसलिए कोण पीसीडी ये वाला बराबर कोण पीएसी पीएई जैसे आप ए बी भी बोल सकते हैं या इसी का बदल लेते हैं आप करें कोण ई सी डी ई सी डी बराबर कोण आपका हो जाएगा इसका लेकर लिए बी ए डी करेंगे बी ए डी और कोण ये वाला ए सी ई डी बराबर कोण हो जाएगा ए डी बी, क्योंकि दोनों 90 अंश है, दोनों कितने अंश है 90 अंश है, इसलिए ये वाला तो इसके क्या होगा समरूप। तो दूसरी चीज भी आपकी क्या हो जाएगी सिद्ध हो जाएगी। तीसरे पे आइए ए बी डी समरूप सी बी ए बी डी समरूप त्रिभुज सी बी ये भी इक्वल हो जाएगा क्योंकि देखिए ये एंगल आप इसके ऊपर दिखा चुके हैं ठीक है। ये वाला आपका कैसे एंगल होगा उभयनिष्ठ एंगल होगा, ये दोनों कोण 90 हो जाएंगे तो बराबर होते हैं। तीसरी चीज भी आपके प्रूव हो जाएगी। नेक्स्ट आते हैं पी डी सी समरूप त्रिभुज बी सी पी डी सी समरूप त्रिभुज बी सी बी ई सी के, ये कैसे आप प्रूव करेंगे? देखिए ये जो कोण है 90 ये भी 90 ये वाला कोण दोनों त्रिभुज उभयनिष्ठ है ठीक है। तीसरा कोण अपने आप बराबर होगा तो कुछ कैसे होगा समरूप हो जाएंगे। तो इजीली है पहले आप पहला ट्रायंगल सिद्ध कीजिए, जब पहला आप ऊपर लेगा दूसरा कोण भी उसकी हेल्प से हो जाएगा और फोर्थ वाले में कॉमन का इसको जाएगा कोई बड़े ट्रायंगल के अंदर छोटा सा ट्रायंगल बन रहा है। इस तरीके से आप इन चारों सम्स को लगाइएगा इसके पार्ट को जो प्रॉब्लम हो आपको पूछ लीजिएगा ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। समांतर त्रिभुज ए बी सी डी की बढ़ाई गई भुजा ए पर बिंदु ए बढ़ाई गई भुजा ए बी पर बिंदु ई स्थित है, बी की भुजा सी डी को एफ पर प्रक्षेप करती हो तो त्रिभुज ए बी और त्रिभुज सी एफ बी का मान बताना है ठीक है। देखिए पहले तो मैं आप समांतर त्रिभुज बना लेंगे इस तरीके से ए बी सी डी, इसके आगे लिया गया ए डी पर बिंदु की स्थित है बड़ाई को क्या बिंदु का स्थित है, यहीं से आप बी डी ले लेंगे इस तरीके से जो इसको बिंदु एफ पर काटती है, इसको काटती है एफ पर काटती है तो आपको सिद्ध करना है ए बी ए बी ई समरूप त्रिभुज सी एफ डी, सी एफ डी के लिए समरूप होगा यानी ये वाला त्रिभुज एक त्रिभुज के क्या हो जाएगा समरूप हो जाएगा। बहुत ही ईजी है समरूप कर लेंगे। देखिए त्रिभुज ए बी ई ए बी ई त्रिभुज सी एफ डी
अगर आपसे रीजन पूछेगा तो रीजन आप लिखते हैं समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण है, समांतर चतुर्भुज के कैसे कोण है, सम्मुख कोण है। और दूसरा देखिए कोण, अब देखिए अब आपको कौन सा कोण यहाँ पे बराबर होना चाहिए, ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, क्यों होगा, एकांतर कोण होगा, बट यहाँ पे ये नहीं चाहिए हमको, यहाँ पे जो है इस त्रिभुज के जो है त्रिभुज के बराबर है, हाँ तो ये आपका कोण बराबर हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा आपका ए ई बी बराबर कोण सी बी एफ के, ये कोण आपस में जो बराबर होंगे एकांतर कोण, अगर आप इस लाइन को आगे बढ़ा दें तो एकांतर कोण बन रहे, कैसे कोण बन रहा है एकांतर कोण। अब देखिए दो कोण जब बराबर होंगे इस त्रिभुज के इस त्रिभुज से तो ये त्रिभुज कैसा हो जाएगा, कोण कोण ऊपर में से त्रिभुज ए बी समरूप हो जाएगा त्रिभुज सी एफ डी के, इस तरीके से आपके यहाँ पे समरूपता आराम से प्रूव होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, चलते हैं अपने नेक्स्ट।